फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ऑपरेटर्स का हमारा पार्ट थ्री। ठीक है, हमारी जो हमने अभी तक जो पढ़ा है ऑपरेटर्स के अंदर, 6 और 7 क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। जो ऑपरेटर्स है हमारे पास पाइथन के अंदर 7 तरह के हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, आइडेंटिटी, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड मेंबरशिप। इसके अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं असाइनमेंट्स के बारे में, लॉजिकल के बारे में, कंपैरिजन और अर्थमेटिक, इन 4 के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर हम आइडेंटिटी, बिटवाइज और मेंबरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि क्या आपके लिए। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी 7 टाइप्स के हमारे पास अर्थमेटिक हमने पढ़ लिया, कंपैरिजन पढ़ लिया, लॉजिकल पढ़ लिया, असाइनमेंट्स, और आज हमें पढ़ना है बिटवाइज, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप। ठीक है, ये क्या होते हैं उससे पहले हम थोड़ी सी क्वेश्चंस देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एडिशंस, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन करके आपको जो अगर क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए चाहिए तो आप फ्लॉट डिवीजन लगाते हैं। एक्सपोनेंट्स, अगर आपको पावर चाहिए, मान लीजिए क्योंकि आपको 2 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है, तो आप एक्सपोनेंट सिंबल्स का यूज करते हैं डिवीजन डिवाइड करने के लिए। मॉडुलस में अगर आपको डिवाइड करने के बाद सिर्फ रिमाइंडर आंसर के रूप में चाहिए, आपको आउटपुट के रूप में चाहिए, तो हम मॉडुलस फंक्शंस का यूज करते हैं। इट्स नॉट फॉर मेंशन फॉर परसेंटेज, इट फॉर मॉडुलस फंक्शन, इट इज फॉर रिमाइंडर फंक्शंस, रिमाइंडर फंक्शन के लिए यूज करते हैं। और ऑपरेटर्स के अंदर हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट प्रेफरेंस है आपकी ब्रैकेट्स को। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्डर फॉलो करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं। ये ऑलरेडी आप रीड कर चुके हैं क्लास दो, पिछली दोनों क्लासेस के अंदर से। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर आपने असाइन किया इक्वल्स वैल्यूज को, ये आपने ऑलरेडी किया। ऐड असाइन, सब्ट्रैक्ट असाइन, मीन सभी अर्थमेटिक पर आपने साथ में असाइन वैल्यूज की, मीन जो भी इनके इक्वल दी जाती है उस वैल्यू को आप पहले ऑपरेट करते हैं। इसके अंदर आपने पढ़ा था, मान लीजिए अगर ए आपको 5 दिया गया और ए प्लस इज इक्वल टू 3 दे दिया गया, तो जब आप प्रोग्राम प्रिंट ए करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ए, क्योंकि इस ए के अंदर आपके पास इस ए वैल्यू के अंदर प्लस करते हैं 3 वैल्यूज को, तो नई वैल्यू असाइन हो जाती है 8 आपके पास, तो प्रिंट के रूप में आपको ए मिलेगा। वही सेम सिस्टम चलता है सब्ट्रैक्ट पर, डिवाइड पर, एक्सपोनेंट, सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन पर असाइन वैल्यूज का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज करते हैं। और कंपैरिजन के अंदर आपके पास लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सभी का यूज करते हैं। और लॉजिकल के अंदर आपके पास एंड, नॉट और, ये रीड करते वक्त आपके फंक्शंस को क्या करता है, ट्रू और फॉल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, और जो भी पहली प्रेफरेंस जहां भी इनकी सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर दे देते हैं आपको। ठीक है, और आज की क्लास में हमने बिटवाइज, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में बात करनी है। रीजंस हम कर चुके हैं हमारे पास ऑपरेटर्स की, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड आपके पास और, नॉट, जोर। ठीक है, मींस आपके पास ये और का बन जाता है आपके पास। ठीक है, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, आपके पास इन सिंबल्स का हम यूज करते हैं। इनमें रहता क्या है, देखिए बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा एट द बिट लेवल, बिट लेवल पर डाटा को इंप्लीमेंट करते हैं, आल्सो कॉल्ड बिट लेवल प्रोग्रामिंग। बिटवाइज ऑपरेटर्स ऑन वन और मोर बिट पैटर्न्स और बाइनरी नंबर्स एट द लेवल ऑफ देयर इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर, एक एक बिट्स के बाद बात करता है, इंडिविजुअल बिट को रीड करता है, कैसे वो हम बात करेंगे। दे आर यूज इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टू मेक द कैलकुलेशन प्रोसेस फास्टर, ये कैलकुलेशन प्रोसेस को फास्ट करने का काम करता है। मान लीजिए ए आपको 10 दिया गया, बी आपको 4 दिया गया, इनका बाइनरी नंबर ये बनती है। ठीक है, अभी हमें बाइनरी नंबर के बारे में नहीं पता कि क्या करना होता है, आपका काम नहीं है, वो अपने आप, जो पाइथन वो अपने आप काम करती है। यहां हमने ऑपरेटर लगा दिया एंड का, एंड में क्या होगा, ये बिट एक एक सिंगल बिट पर काम करेगा, 1 और 0 1 0 आपके पास ये फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स। नेक्स्ट 0 1 ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स वाला 0। नेक्स्ट आपका 1 ट्रू 1 0, ठीक है, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया आपके पास, सो आंसर आपके पास क्या आएगा, फॉल्स का, फॉल्स का क्या है 0। नेक्स्ट 0 0 दोनों ही फॉल्स है, तो फॉल्स वाला आंसर 0, और चारों 0 आपके पास से मिलकर क्या बनाती है 0। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोग्राम आपका रन करता है, 10 एंड 4 उसको प्रोग्राम को अपने रन करवाया, ये आपका आंसर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी बिट सिस्टम का हम यूज करते हैं। 6 सिंबल है एंड, आपके पास और का, नॉट का, जोर का, बिटवाइज राइट शिफ्ट,
बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, मींस आप लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं, कैसे वो आप देखेंगे अभी प्रैक्टिस पर, मैं राखी पर करके देखेंगे, मैं आपको इनके बाद मैं राखी पर एक प्रैक्टिस वीडियो मिलेगी आपको, और वहां से इनको आसानी से वॉच कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में क्या होता है, इज या इज नॉट, वैल्यूज टू ट्रू, आपकी जो वैल्यूज है वो ट्रू होनी चाहिए, वैल्यू करें तो ट्रू होना चाहिए। इफ द वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, आपके पास इसका मतलब कि वो आपके पास क्या होना चाहिए, जो लेफ्ट साइड में आपको राइट साइड में दिए गए ऑपरेटर्स है वो सेम होनी चाहिए, देन आपके पास वो वैल्यू ट्रू बनती है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, फॉल्स आपको रिजल्ट डिलीट करवाएगा, मींस आपको जो आंसर देगा वो हमेशा ट्रू फॉल्स के अंदर देगा। एक्स एंड वाई पर एक्स इज वाई लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो फंक्शन है आपके पास इज इक्वल टू वाई, ठीक है, उनकी जो वैल्यू असाइन की गई है वो वाई होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी जो भी आपने दी हुई है, इज नॉट ये वैल्यू फॉल्स करते हैं, उसके अंदर जो भी प्रोग्राम दे रहे हैं उसको ये गलत के रूप में पढ़ता है कि गलत है ये। और अगर आपके पास ऑन द आइदर साइड ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट एंड ट्रू अदरवाइज, मींस आपके पास वो सेम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, इफ द वेरिएबल्स ऑन द आइदर साइड ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट एंड ट्रू अदरवाइज, मींस एक्स इज नॉट, ये नॉट रिजल्ट के अंदर है, ये पढ़ता है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई के अंदर आपके पास। किस प्रकार से, मान लीजिए एक्स की वैल्यू आपने 5 दे दी, वाई की वैल्यू आपने 5 दे दी, ठीक है, तो आप अगर प्रिंट करवाते हैं, मान लीजिए प्रिंट करते हैं x is y, तो ये पढ़ता है कि आपका जो इसका आंसर है वो ट्रू आना चाहिए, ठीक है, कि ये दोनों आपस में इक्वल है, अगर इक्वल होंगे तो आंसर ट्रू दे देगा, अगर इक्वल नहीं होंगे तो आंसर फॉल्स दे देगा आपको, अभी दोनों इक्वल है तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 5 की जगह 4 होता तो ये कहता है कि इक्वल होने चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं है तो आंसर आपका क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, ठीक है। अगर मैं इज नॉट का यूज करता हूँ, इसका मतलब है कि ये कहते हैं कि ये गलत है, आपस में इक्वल नहीं है, x आपका 4 है, y 5 है, तो मैंने लिखा कि 4 y के 5 के इक्वल नहीं है, तो इतनी जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है, तो मैं जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा तो आंसर क्या बनेगा, मेरे को ट्रू मिलेगा आंसर के, ठीक है। इस प्रकार से आपके प्रोग्राम चलेंगे, बाकी मैं राखी पर आप करके देखेंगे थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर मींस मेंबर होने चाहिए उस पार्ट के, इन a value to true, true value करेगा इसको if it finds a variable in the specified squares and false otherwise, not in लिखा जाता है, देखो इसके बाद not था, इसमें not आ गया है, लिखने के pattern में भी अगर गलती होगी तो ये syntax error आपको show करवा देगा, ठीक है ना। a value to true, ये truth कहता है does not find a variable in the specified squares and false otherwise, means x in y, अगर x y के अंदर है, ठीक है, x is a member of squares y, देन आपको ट्रूथ आएगा। एक्स इज नॉट इन वाई, अगर नहीं है तो वो आपको नॉट ए मेंबर होना चाहिए आपके पास। एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप एक्स एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसके अंदर मेंबर 3, 5, 9 ये आपके पास है, और वाई हम बात कर लेते हैं 5 की, और आपने प्रिंट करवाया प्रोग्राम प्रिंट एक्स इन वाई, ठीक है, बदले गए सॉरी एक्स नहीं, एक्स में तो काफी है, वाई वाई इन एक्स, आपने प्रिंट करवाया कि y x के अंदर है, 5 x के अंदर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। मान लीजिए आप प्रोग्राम रन करवाते हैं प्रिंट z इन x, और z मान लेते हैं आपके पास 10 है, अब z 10 10 के अंदर नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स, ठीक है। और इसमें देखिए, अगर मान लीजिए आपने रन करवाते हैं प्रिंट z नॉट इन x, जेड एक्स के अंदर नहीं है, जेड कितना 10, 10 एक्स के अंदर नहीं है, सही लिखा हुआ है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू, ठीक है। मींस जो ये लिखा गया था उसको ये ट्रू रीड करता है, अवैल्यूएट्स टू ट्रू, अवैल्यूएट्स टू ट्रू, दोनों ही कंडीशंस के अंदर, ठीक है। और ऐसा ही आपके पास आगे पीछे लिखा हमने, अवैल्यूएट्स टू ट्रू और इज नॉट अवैल्यूएट्स टू फॉल्स, या अगर आप इसको ट्रू की बात करेंगे तो नॉट इक्वल वाला सिंबल बात आ जाएगी यहां पर, मींस दोनों में से जो मर्जी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रिवीजन हमारे पास हो चुकी है, एक्सरसाइज के अंदर दो क्वेश्चंस हैं, आप पहले मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है, व्हिच इज नॉट ए बिटवाइज ऑपरेटर, इनमें से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है आपको वो बताना है। दूसरा इसकी आउटपुट क्या होगी वो बतानी है आपको, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर पहले खुद कमेंट सोच लें और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, उसके बाद की आगे वीडियो पॉज कर लेंगे,
आगे वीडियो के बाद में जब देखेंगे, क्योंकि मैं दो ही क्वेश्चन है तो इन्हीं के अंदर आपको आंसर बता रहा हूँ। ये तीनों ही बिटवाइज ऑपरेटर्स है और ये आपका एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, सो ए इसका आंसर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे हम, ए थ्री है बी थ्री है इज, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? अगर आपको यहां ध्यान हो, करनी सात ऑपरेटर्स है, सातों में से कौन सा ऑपरेटर आपका ये, वो आपको ध्यान होना चाहिए हमेशा ही, ठीक है। नहीं ध्यान हो तो हमेशा सोच ले, रिवाइज कर ले, देख ले, चेक कर ले आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है ना। मेंबर है तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स, लॉजिक है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास। और ये क्या कहते हैं आपका ऑपरेटर्स, कि a is equal to 3, b is equal to 3 means a is b, means a और b आपस में इक्वल है, ये true है, ये true वैल्यू पढ़ता है इसको, और आपने देखा ये true है, एक्चुअल में true है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, true ही आ जाएगा, means जो लिखा गया वो बिल्कुल true है आपके पास, it means इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों से जरूर शेयर करें, अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय डॉक्टर बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम्स को जो भी मैराकी पर करते हो इशू हो रहा होगा उसके लिए आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।